नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कीट प्रबंधन पर या पेस्टिसाइड पर एक वीडियो बनाएं, तो चलिए आज बात कर लेते हैं कीट प्रबंधन पर और ऑर्गेनिक खेती में हम किस तरह से कीट प्रबंधन करते हैं। मैं साथ में बगिया दिखाती जाऊंगी ताकि आपको ये विश्वास हो कि ऑर्गेनिक तरीके से भी खेती होती है, और इस तरह करते हुए मुझे कीट प्रबंधन कैसे मैं करती हूँ, मुझे किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, मैं अपने सारे अनुभव आपसे साझा करूँगी। और मैं अनुभव साझा करूँ इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए कर लेते हैं बात कीट प्रबंधन की। मैं कीट प्रबंधन कह रही हूँ, कीटनाशक नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके में कोई कीटनाशक नहीं आता। और जब हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तब हमारा मानसिक इस तरह का होता है कि हम सह अस्तित्व के स्वीकार करते हैं कि यहाँ बगिया में जितना हमारा अधिकार है, पेड़ पौधों का अधिकार है, वो कीट पतंगों का भी है। उसमें कई मित्र कीट भी होते हैं, थोड़ा सा वो नुकसान भी पहुँचाते हैं, तो हम जो फसल लगाते हैं वो उतनी लगाते हैं। मैं तो पर्टिकुलर ज़्यादा लगाती हूँ। मान लीजिए मैंने 6 भट्टे के पेड़ लगाए तो 4 फलेंगे, 2 अगर ख़राब भी हो गए तो कोई बात नहीं, तो एक छोटा सा हिस्सा कीट पतंगों के नाम भी रहेगा। अब बात आ जाती है प्रबंधन की, तो प्रबंधन करें इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं नीम ऑयल बनाकर रखती हूँ, और ये सबको पता होगा जो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। और जब हमारी पौध 10 से 15 दिन की हुई तभी से बिना किसी अटैक के ही हम बस रेगुलर हर हफ्ते 5 दिन में 6 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करते रहते हैं। किस तरह बनता है नीम ऑयल, 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और 7 से 8 बूंदें किसी भी लिक्विड सोप की मिलाकर हम स्प्रे करते रहते हैं, ये एक हो गया। इससे क्या होता है, पत्ती छेदक कीड़े, पत्ती का स्वाद उतना मीठा नहीं रहता, कसैला हो जाता है, और पत्ती छेदक जो कीड़े हैं वो आकर्षित नहीं होते, वो मर जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही, वो आकर्षित नहीं होते, कम अटैक करते हैं। और इस प्रक्रिया को हमें रेगुलर करना होता है बार बार। अगर हम थोड़ा लेट होते हैं तो फिर पत्तियां काटने लगते हैं, और चलिए उसमें से 2-4 पत्तियां काट भी दी तो कोई बात नहीं है, थोड़ा तो मैंने बताया कुछ झेलना ही पड़ेगा। अब दूसरा पेस्टिसाइड है हमारा चटनी, उसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, लहसुन तेज डाल देंगे, इसको स्प्रे करेंगे तो एफिड्स कम हो जाते हैं, पूरी तरह नहीं मरते लेकिन जैसे मिर्ची के नीचे सेम पर आते हैं, आप अगर एफिड से परेशान हैं तो आप इसको स्प्रे करें, और इसको भी आप जैसे ही एफिड देखें रेगुलर करते रहें। कोई भी पेस्ट आप स्प्रे करें तो पहले कम मात्रा में, बहुत गाढ़ा नहीं करें, कम मात्रा में 1-2 पौधों पर लगा के देखें, और आप नोटिस कीजिए मेरे बगिया में जगह जगह लहसुन लगा है, प्याज लगा है, एलोवेरा लगा है, तुलसी लगी है, मरुआ दोना लगा है, शतावरी लगी है। तो मैंने ना सब तरह के मेडिसिनल प्लांट, हल्दी भी लगी है, लगाकर ये मैंने एक बायोडायवर्सिटी मैंने कोशिश की है, ताकि ऐसा प्रकृति का नियम है कि जहाँ सब तरह के पौधे होते हैं तो अपने आप एक कीट नियंत्रण होता है। ये भी एक टिप है कि आप सब कुछ मिक्स क्रॉप लगाएं, जैसे कि जंगल में होता है, उसमें से जो पौधा कमज़ोर होगा वो मर जाएगा, नहीं सर्वाइव करेगा, लेकिन जो बच जाएगा वो पक्का आपको देगा। मेरी हर क्यारी में आप नोटिस करना, लहसुन लगाए, प्याज लगाए, इसकी स्मेल से भी कई बार कुछ कीट पतंगे नहीं आते, और तुलसी, बेजिल, इनसे भी नहीं आते हैं। तो आप ना हर क्यारी में गेंदे भी लगाएं, कुछ फ्लोरल भी लगाएं ताकि पॉलिनेशन हो, मिक्स क्रॉप करें। देखिए मुनगा लगाए, तुलसी लगी है, बेजिल लगी है, और दूसरे कोने पर मेरा एलोवेरा लगा है, बहुत कुछ मिक्स है। क्यारियों में नीचे मेथी पड़ी है, मेथी नाइट्रोजन फिक्स करती है मिट्टी में, और ऊपर गोभी लगा है, इधर देखिए मिर्च लगी है, और मिर्च और टमाटर में सबसे ज़्यादा रोग आता है। तो जो नए लोग हैं उनसे मैं कहूँगी कि वो शुरुआत मिर्च टमाटर से नहीं करें, वो पहले बैंगन से करें, और गोभी, पालक, मेथी, धनिया, जो सर्दी की ये सब्जियाँ, इनसे करें। 1-2 साल का अनुभव हो जाए, मिर्च लगाएं, पर फिर वो अगर मिर्च में रोग लगता है तो उससे निराश ना हो, पहले से मानसिक रूप से तैयार रहें और फिर सोचें कि कैसे मेंटेन करना है। एक टिप है कि जिस मौसम में जो प्लांट उगता है उसी समय बोएंगे, जिस तापमान पर,
जैसे अभी ठंडक है तो ठंडक की वाली सब्जियां, गोभी, पालक, मेथी, हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में बहुत पहले ही से बीज डाल देते हैं कि थोड़ा अगेती आ जाएगी। अगर अगेती लेना है तो उसके लिए पॉली हाउस चाहिए और केमिकल चाहिए। आप अगर उचित तापमान पर, जब थोड़ी सी ओस पड़ने लगी, 20-21 से 28-30 डिग्री तक तापमान रहेगा, तब आप ये सब्जियां ठंड वाली लगाएंगे तो इनमें रोग कम आएंगे, ये अच्छी होंगी। मेथी जो उगते ही गल के गिर जाती है वो नहीं गिरेगी। साथ में मिट्टी में फंगस का नियंत्रण करें तो नीम के पत्ते डालें, नीम की खली डालें। अगर खाद देना है तो बीच बीच में हम वर्मी कंपोस्ट डालें, हम सरसों की खली का लिक्विड डाल सकते हैं, हम कंडे का लिक्विड डाल सकते हैं, हम किचन वेस्ट से बनाई डाल सकते हैं। ये खाद भी मैं बीच में बता दे रही हूँ। कीट नियंत्रण में मैंने चटनी बताई और आपका नीम ऑयल बताया। एक और कीटनाशक, कीटनाशक तो नहीं कहना चाहिए, कीट नियंत्रक बोलूँगी मैं, एक और है जो मैं तंबाकू और चूना से बनाती हूँ। वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और एफिड्स वगैरह के लिए वो अच्छा है। लेकिन अब तंबाकू बहुत स्ट्रांग होती है तो किसी जो कोमल पत्तों वाली बेलें हैं या कोमल पत्तों वाली फसल है उस पे न डालें। और हाँ, बहुत ज़रूरी टिप कि पालक, मेथी या भाजियाँ, मूली भी, जिनके पत्ते की सब्जी बनाते हैं, इन पे मैं नीम ऑयल तो क्या कोई भी चीज़ नहीं छिड़कती और इन पर रोग आते भी नहीं हैं। अगर पालक पे रोग आ रहे हैं तो क्या आएगा, इल्ली आ जाएगी, पत्ती छेदक। तो अगर इल्ली आ रही तो आप उलट पलट करके देखते रहें, बगीचे में घूमें, मैं तो हाथ से बीन बीन कर फेंक देती हूँ। अगर मेली बग लगती है तो हमने टूथब्रश रखा है, एक लकड़ी रखी है, उसे हम हाथ से रगड़ के झड़ा देते हैं नीचे, नीचे एक पेपर रख लेते हैं और दूर फेंक देते हैं। जब पूरी डंडी से हमने झड़ा दी, फिर हम उस पर नीम ऑयल छिड़क देते हैं, थोड़ा सा साबुन का पानी छिड़क देते हैं, और किसी टहनी में बहुत ज़्यादा है उतनी टहनी को काट के फेंक देते हैं। किसी पत्ते के नीचे बहुत अगर एफिड्स हो, उस पत्ते को काट के फेंक देते हैं। इस तरह हम उससे जूझते लड़ते हुए, कभी वो कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम, और हर कीट का एक मौसम होता है, जीवन चक्र होता है। ऐसे करते करते हमारा प्लांट भी धीरे धीरे सर्वाइव करता है और उस कीट का जीवन चक्र भी समाप्ति की ओर जाता है। तो ऐसे हम साथ रहते हुए, देखिए कोरोना अभी भी है लेकिन अब धीरे धीरे सब मार्केट खुल रहे हैं और उसके साथ हम रह रहे हैं। आप ये बना हुआ पेस्ट देख लीजिए, ये छाछ का, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ये देखिए, छाछ को मैं तांबे के लोटे में भर के रख देती हूँ अच्छे महीना भर के लिए, और 15 दिन भी रख देंगे तो चलेगा। और उसको छान लेती हूँ और ऐसी कांच की बॉटल में रख लेती हूँ भर के। फिर इसको मैं टमाटर और मिर्च पर स्प्रे करती हूँ। ये जो पत्ती कर्ल वाला रोग है उससे काफ़ी कुछ बचाव करता है, यानी कि मैं पहले ही से करती हूँ। जब रोग लगा नहीं है तो तब भी मैं 5 दिन में, 8 दिन में एक बार करती रहती हूँ, कंट्रोल होता है। जो भी ऑर्गेनिक दवाएं हैं इनसे कंट्रोल होता है, पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। मिट्टी अच्छी बनाएंगे, सही तापमान पर लगाएंगे तो पौधा स्वस्थ होगा, पौधा स्वस्थ होगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। तो रोग तो आएगा लेकिन वो रोग से लड़ के जीत के सर्वाइव कर जाएगा। ये एक बिल्कुल फंडा है। जैसे कि हमारे यहाँ आम लोगों में कुछ लोग, देखिए कोरोना वायरस ही आ रहा है तो कुछ लोग बहुत इजीली उसको हैंडल कर पा रहे हैं और जो वीक हैं उनके लिए दिक्कत है। तो हम पौधे को वीक ना होने दें, इस पे हम ऑर्गेनिक में हम इसी पे काम करते हैं। वीक कैसे नहीं होगा कि पहली बात बीज की क्वालिटी, हाइब्रिड के जो बीज होते हैं वो अधिक फल देते हैं और वो उनके मौसम का भी ऐसा नहीं, मौसम दूसरे चक्र में भी सरवाइव कर जाते हैं लेकिन उनमें कीट का बहुत प्रकोप होता है। छत पर उगाने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अगर देसी बीज मिलेंगे तो देसी बीज बहुत केयर नहीं मांगता, लेकिन देसी बीज का एक फिक्स है कि जो बरसात का लौकी तोरई है वो जुलाई में डलेगी तो आप जुलाई में लगाइए। आप उस बीज को मार्च में डालेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन जुलाई में वो होगा और उस पर कीट प्रकोप कम होगा। तो पहले जो जिस इलाके में लोकल के बीज हैं, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आप लोकल के बीज पर ध्यान दें। मैं हाइब्रिड के बीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी लगाती हूँ। हाइब्रिड लगाएंगे तो फिर आप फिर चौकीदारी करते रहें, छत पर कुछ ना कुछ स्प्रे करते रहें और उसमें रोग आने की संभावना बहुत रहती है। देखिए मैंने गेंदा भी लगाया और पीछे आपको एलोवेरा भी दिख रहा है। तो आप ये भी करें, मिक्स क्रॉप भी रखें, इससे बहुत बचाव होगा। तो हमने कितने तरह के पेस्टिसाइड बता दिए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ।
कि हम नीम ऑयल करते हैं, इसके जगह हम नीम के पत्ते उबाल के कर सकते हैं, हम चटनी बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, हम तम्बाकू चूने का बना सकते हैं। ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा तम्बाकू चूने वाला। और मैं छाछ का भी बनाती हूँ। छाछ को, ये बहुत पुराना है, तम्बाकू और छाछ वाला बहुत पुराना है, किसानों का नुस्खा है। आप पौध लगाते समय ध्यान रखें, आसपास के खेतों पर नजर डालें, किसान कब लगा रहा है। अगर पॉली हाउस नहीं है आपके पास और किसान जब खेत में फसलें लगा रहा है, तब आप लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये देखिए हल्दी और इसका फूल भी खिला हुआ है, तो ये मैं बायोडायवर्सिटी ही क्रिएट कर रही हूँ। और इस क्यारी में पालक है, लेकिन पीछे पान भी लगा है, एक कोने में मिर्च लगी है, गेंदा लगा है। तो मिक्स क्रॉप करें और थोड़ा तो कीट पतंगे आएंगे। आप बार 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 करते रहें, धीरे 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 आप खुद सीख जाएंगे। और ये बिल्कुल होगा कि कुछ फसलें आपकी मरेंगी, कुछ पेड़ खराब होंगे। बिल्कुल दुख नहीं मना, जो खराब हो गया उसे उखाड़ के फेंक दें दूर और फिर आप दूसरा लगाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। नमस्कार।